हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल ईजी इंग्लिश लिटरेचर आज हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट यूनिवर्सिटी विट जॉन लिली की बाकी सारे राइटर्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं तो चलिए शुरू करते हैं जॉन लिली वॉज बॉर्न इन द ईयर फिफ्टीन फिफ्टी थ्री एंड ही डाइड इन द ईयर सिक्सटीन जीरो सिक्स ही वॉज एन इंग्लिश राइटर पोएट एंड ड्रामेटिस्ट उनके जो फादर थे वो रजिस्ट्रार थे फॉर द आर्च बिशप मैथ्यू पाकर ही वॉज बॉर्न इन कैंट इंग्लैंड एंड ही स्टडीड एट मैकडानल कॉलेज ऑक्सफर्ड जॉन लीली के जो भी प्लेज हैं वो ब्लैक फ्राया थिएटर में एक्ट किए गए यानी ब्लैक फ्राया थिएटर में उन्हें स्टेज किया गया और दो कंपनीज उन्हें स्टेज करती थी चिल्ड्रेन ऑफ द चैपल एंड चिल्ड्रेन ऑफ द पॉल ये कंपनीज़ हैं मतलब एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आपको नाम चिल्ड्रेन ऑफ द चैपल दिया और एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने आपको नाम चिल्ड्रेन ऑफ द पॉल दिया तो इन्होंने इनके प्लेस जो है वो एक्ट किए ऐट द ब्लैक फ्रायर थिएटर 1632 में उनका फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन आया जिसमें सिक्स प्लेस थे और ये पब्लिश किया था ब्लाउंट ने तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन है वो 1632 में आया जिसे पब्लिश किया था ब्लाउंट ने और ये सिक्स प्लेस जो थे वो कोर्ट कॉमेडीज़ थे तो आपको ध्यान रखना है कि ये सारे ही प्लेस कोर्ट कॉमेडीज़ थे तो इनके वर्क्स को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सिक्स कोर्ट कॉमेडीज़ और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इनके अदर वर्क्स। इनके कोर्ट कॉमेडीज़ हैं एंडिमियन, कम्पैसपे सोफो एंड पाहो गलेथिया मिदास एंड मदर बॉम्बी और अदर वर्क्स है यूफियस यूफियस एंड इंग्लैंड एंड द विमेन इन द मून तो कोर्ट कॉमेडीज से स्टार्ट करते हैं एंडीमियन द मैन इन द मून एंडीमियन का फुल नेम है द मैन इन द मून इस वर्क में एंडीमियन और सिंथिया ये दो कैरेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं मतलब दे आर इन लव मगर ये कभी भी शादी नहीं कर पाते हैं क्योंकि सिंथिया जो है वो एक गॉडेस है गॉडेस ऑफ मून है इसलिए उनकी कभी भी शादी नहीं हो सकती है दे नेवर गॉट मैरिड एज सिंथिया वॉज गॉडेस एंडिम्योन वॉज अवेकेंड ऑफ अ किस बाय सिंथिया और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि एंडीम्योन को सिंथिया एक किस्त करती है जिससे वो जागता है एंडीम्योन नाम का वर्क कीट्स का भी है तो हमें ध्यान रखना है कि एंडीम्योन नाम के दो वर्क्स हैं एक जॉन कीट्स का है एक जॉन लिली का है और जॉन लिली के वर्क का फुल नेम है द मैन इन द मून जिसमें एंडिम्योन और सिंथिया दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सेकेंड वर्क है कम्पैसपे कम्पैसपे फर्स्ट प्ले था जो स्टेज के लिए लिखा गया मतलब ये इन्होंने लिखते वक्त भी ध्यान रखा था कि इसे मुझे स्टेज करना है यहाँ पे भी दो कैरेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं हैंगज़ेंडर एंड अ थीबन कैप्टिव कम्पेस्पे कैम्पैसपी जो है वो एक थीबन कैप्टिव है और एक है थीबन कैप्टिव मीन्स कम्पैसपे जो है वो लेडी है और उसे कैप्टिव करके रखा है किडनेप करके रखा हुआ है ये दोनों भी एक दूसरे के लव में है दे आर इन लव विथ ईच अदर एंड कम्पैसपे पोर्ट्रेट इज पेंटेड बाय ए प्लीज और कम्पेस्पे का जो पोर्ट्रेट है उसे पेंट किया है ए प्लीज ने तो आपको ध्यान रखना है कि कंपेस्पे के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन है एलेक्सेंडर एंड कैंपेस्पे और कम्पेस्पे का पोर्ट्रेट किसने पेंट किया था ए प्लीज ने थर्ड वर्क इज सोफो एंड पेहो यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सोफो और पेहो और ये भी एक दूसरे से अफेयर में है लव अफेयर में है सोफो एक क्वीन है और पेहो एक फेरी मैन है इस प्ले की जो सेटिंग है ये सैरिक्यूस नाम की जगह पर है और ये प्ले परफॉर्म किया गया है एट ब्लैक फ्रायर थिएटर ओके तो इन तीनों ही वर्क्स में दो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और वो दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ अफेयर में हैं अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ वर्क गलेथिया की इस प्ले को अप्रिशिएट किया गया था एज एलिगोरिकल ड्रमैच्यूरी एंड हारमोनियस वेराइटी तो ये दोनों ही टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं एलिगोरिकल ड्रमैच्यूरी एंड हारमोनियस वेरायटी इन दोनों टर्म्स से द वर्क गलेथिया को अप्रिशिएट किया गया फिफ्थ तो वर्क है मिडास मिडास इज बेस्ड ऑन बुक एलेवेंथ ऑफ ओविड्स मेटामॉर्फिस तो आपको ध्यान रखना है कि मिडास जो तो है ओविड्स की मेटामॉर्फिस पे बेस्ड है सिक्सथ वर्क इज मदर बॉम्बी मदर बॉम्बे जो वर्क है वो रस्टिक लाइफ डिपिक्ट करता है यानी जो विलेज की लाइफ है वो इस वर्क में दिखाई गई है और यहाँ पे मदर मदर बॉम्बी कॉल्स हर सेल्फ कनिंग वेमेन यानी ये मदर बॉम्बे खुद ही अपने आप को कनिंग वूमेन कहती है मदर बॉम्बी एक कैरेक्टर है प्ले में अब ये जो कैरेक्टर है मदर बॉम्बी ये थॉमस हेवुड ने भी मैंशन किया था अपने वर्क द वाइज वुमेन ऑफ हॉगेस्टन एंड थॉमस डेकर जॉन फॉर्ड्स एंड विलियम रॉले का भी वर्क है द विच ऑफ एडमेंटॉन जहाँ पे भी मदर बॉम्बी को मेंशन किया गया है तो हमें ध्यान रखना है कि मदर बॉम्बी का कैरेक्टर्स थॉमस हेवुड के वर्क में भी मेंशन किया है और द विच ऑफ एडमेंटॉन जो वर्क है उसमें भी मेंशन किया गया है ये रस्टिक लाइफ दिखाता है और मदर बॉम्बी अपने आप को कनिंग विमेन कह के पुकारती है ये तो हमने सिक्स कोर्ट कॉमेडीज कवर की अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जहाँ पे हम थ्री वर्क्स डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्क है यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट इसमें जो टर्म है यूफियस ये लिया गया है रॉजर एस्टैम के वर्क द स्कूल मास्टर से ओके रॉजर एस्टैम का वर्क है द स्कूल मास्टर वहाँ से ये टर्म लिया गया है यूफियस जिसका मीनिंग होता है वेल ब्रेड मैन वेल ब्रेड मैन मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अच्छी सी परवरिश की गई हो उसके मैनर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हो और इसी बुक से जॉन लिली ने हमें एक टर्म दिया जो कि है यूफिज़्म ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यूफिज़्म और ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जॉन लिली के वर्क यूफियस से यूफिज़्म मतलब क्या होता है यूफियस एक तरीके से इंग्लिश प्रोज लिखने की एक स्टाइल है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज की जाती है इसमें कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं जैसे एंटीथिस एलिट्रेशन रिपीटेशन रिटोरिकल क्वेश्चन एक्सेट्रा तो बेसिकली यूफिज्म क्या है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इस पर एक बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि ये जो टर्म है यूफिज्म वो इंट्रोड्यूस हुआ था यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट में और यूफिज्म एक तरीके से इंग्लिश प्रोस को लिखने का एक स्टाइल है द सेकेंड वर्क इज यूफियस एंड हिज इंग्लैंड तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि यूफियस द एनाटॉमी ऑफ विट का सीक्वल है ये यूफीएस एंड हिज इंग्लैंड और इस वर्क में यूफियस जो कैरेक्टर है उसके वोएज और एडवेंचर्स को डिस्कस किया गया है उसके वोएज एंड एडवेंचर्स बताए गए हैं तो ये ध्यान रखिए कि यूफियस एंड यूफियस एंड इज़ इंग्लैंड दोनों में ही जो प्रोटेगॉनिस्ट है उसका नाम है यूफियस द थर्ड वर्क इज़ द विमन इन द मून ये ही एक अकेला ऐसा प्ले है जॉन लिली का जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है बाकी कोई भी वर्क्स जो ब्लैंक वर्स में नहीं लिखे गए हैं द वेमेन इन द मून ब्लैंक वर्स में लिखा गया है इस वर्क की सेटिंग जो है वो है बिफोर द अर्थ वॉज क्रिएटेड मतलब जब अर्थ बनाई भी नहीं गई थी उस समय से भी पहले की इसकी सेटिंग है अब इस वर्क के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप देख लीजिए इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नेचर पैंडोरा सेवन प्लानट्स एंड स्टैसीस स्टैसियस जो है वो पेंडोरा का हस्बैंड है तो ये फोर कैरेक्टर्स हैं अब एक छोटी सी स्टोरी लाइन में आपको इसके बारे में बता देती हूँ स्टोरी लाइन ये है कि नेचर जो है वो सेवन प्लैनेट्स की जो बेस्ट क्वालिटीज़ है वो पेंडोरा को दे देता है पैंडोरा फर्स्ट लेडी को काउंट किया गया है तो ये जो नेचर है ये सेवन प्लानट्स की जो भी सबसे अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो पेंडोरा को दे देता है इस वजह से ये सेवन प्लानिट्स बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं और एक एक करके ये पेंडारा को अटैक करने लगते हैं अपनी क्वालिटी से जैसे सैटन है तो वो अपनी क्वालिटी मेलिंगली से पेंडोरा को अटैक करता है तो ये सातों ही प्लैनेट्स एक एक करके पेंडारा को अटैक करते हैं और लास्ट में ल्यूना ये जो सेवन प्लैनेट्स में से एक है ल्यूना ल्यूना के इन्फ्लुएंस में पेंडोरा जो है वो मैड हो जाती है एक एक करके जब सब अटैक करते हैं तो लास्ट में लूना के टाइम पर पेंडोरा जो है वो मैड हो जाती है इस वजह से नेचर जो है वो स्टेसियस को पनिश करता है क्योंकि ऐसा कहता है कि तुम औरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो और अपनी वाइफ पे बिलीव नहीं करते हो इसलिए नेचर जो है वो स्टेसियस को पनिश करता है और उसको पैंडोरों का स्लेव बना देता है तो इसको आपको डिटेल में स्टडी नहीं करनी है मैंने आपको ये सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता दिया ताकि आपको इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ध्यान रहे और एक छोटी सी स्टोरी लाइन ध्यान रहे तो ये था जॉन लिली के बारे में इस इसी के साथ हमारे सारे ही यूनिवर्सिटी विट्स डिस्कस हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी विट्स कंप्लीट हो गए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप लर्निंग तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बाय बाय